आर्टिकल 15 फिल्म को लेकर ब्राह्मणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर आज ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना और ब्राह्मण एकता परिषद ने संयुक्त रूप से इस फिल्म के डायरेक्टर का पुतला फूंका है। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के सदस्यों का कहना है कि आर्टिकल 15 फिल्म में ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। ये फिल्म सामाजिक समरसता को भंग करने वाली फिल्म है, जिस पर पूरे देश के ब्राह्मणों में रोष है। वे प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि इस फिल्म को प्रदेश में बैन करें, और अगर यह फिल्म बैन नहीं की जाती है तो ब्राह्मणों से जुड़ी समस्त संस्थाएं इसका विरोध करेंगी और फिल्म का प्रदर्शन करने वाले फिल्म थिएटरों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। फिल्म प्रदर्शन के उपरांत होने वाली किसी भी शांति भंग की स्थिति की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लाइव उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। समाज विशेष को बदनाम करने की एक साजिश चली जाती थी, तो ऐसे जो भी जिसने भी इसका प्रोडक्शन किया है, मैं उनसे बताता हूं कि या तो वो फिल्म को तुरंत बंद करे, अगर बंद नहीं करते हैं तो उत्तराखंड सरकार से भी कहता हूं कि उत्तराखंड में इस फिल्म को बिल्कुल रिलीज नहीं होने दे। अगर फिल्म रिलीज हुई और किसी टाकीज में चली तो उस टाकीज को आग के हवाले कर दिया जाएगा, फिर इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और इन लोगों की रहेगी। माताओं को खुली चेतावनी, आक्रोश के साथ सब ब्राह्मण बंधु और हिंदू समाज के साथ है कि आर्टिकल 15 फिल्म अगर लगती है थिएटरों में तो वो थिएटर के मालिक स्वयं उनकी नींद ये हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज हराम कर देगा। अगर फिल्म चलती है तो वो चलाने का प्रयास करें और जितना रोकने का हमारे अंदर दम होगा हम उन्हें वो दम दिखा देंगे। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।